हेलो फ्रेंड्स, कायनात किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो मैंने यहाँ ले लिया है पनीर 250 ग्राम, और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। धनिया, मिर्ची पाउडर, नमक, ऑयल, टमाटर का पेस्ट और एक टमाटर कटा हुआ, एक बारीक कटी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी धनिया, शिमला मिर्च और एक प्याज, वो भी रफली चॉप। शिमला मिर्च को भी रफली चॉप कर लिया है मैंने। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कढ़ाई मसाला, जो कढ़ाई पनीर में डालते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए खड़ी धनिया और सूखे मिर्च, 4 सूखे मिर्च और 1 से 1.5 स्पून खड़ी धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। इन चीज़ों को भून लेंगे हम लोग अच्छे से। और निकाल लेंगे भून कर और दर दरा सा कूट लेंगे, या पीस लीजिए या कूट लीजिए, बस दर दरा होना चाहिए। ये देखिए मैंने कूट लिया है। अब वही कढ़ाई में डाल देंगे हम ऑयल, इसे गरम होने देंगे अच्छे से। और डाल देंगे इसमें जो रफली चॉप किया था मैंने प्याज और शिमला मिर्च, उसको थोड़ा सा हल्का से ऐसे फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे एक टमाटर, इसको भी मैंने रफली चॉप किया था। इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार। अब मैं डाल दूंगी पनीर इसमें, इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं पनीर को। अब मैं वो मसाला डाल दूंगी जो अभी मैंने आपके सामने भून कर कोट कर रखा था। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इस सबको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं चलाना है, वरना सब पनीर टूट जाएगा और फिर पनीर की भुर्जी बन जाएगी, इसलिए इसे आराम आराम से चलाएं। इसे निकाल लेंगे। हम डाल देंगे कढ़ाई में फिर से ऑयल और ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, जब ज़ीरा हमारा तड़क जाएगा तो इसमें डालेंगे जो बारीक कटी हुई प्याज थी वो डाल देंगे। प्याज को फ्राई कर लेंगे, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना प्याज को, बस सॉफ्ट रहने तक फ्राई करना है। अब डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, और भून लेंगे थोड़ा। अब डाल देंगे इसमें मसाले, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं यहाँ पे, उससे कलर अच्छा आता है। अब मैं डाल दूंगी टमाटर की प्यूरी, मैं भून लूंगी अच्छे से।
और अब डाल देंगे हमारा पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था मसालों के साथ। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट तक इसे पकाएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। मसालों को मेन हमें अच्छे से भूनना है। ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर तैयार है बनकर। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, या बटर नान जो जिसके साथ आपको पसंद है उसके साथ खाएं। ऐसे ही सिंपल मज़ेदार रेसिपी भी आप लोग के लिए लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।